A thing which care for man is discovered. पामैन इंसाफ का देवता। पामैन ने एक खतरनाक गैंग का मुकाबला किया। परमा ने अकेले ही शार्क और भालू का मुकाबला किया। पामैन ने पहले भी आग और तूफान से निपटने में बहुत मदद की है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं डरा सकता, क्यों? ठीक कहा ना परमैन? मेरी इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आती है। तुमने जो भी कहा वो सही है, पर अब तक कोई ऐसा काम मुझे नहीं मिला जो कि सच में मेरे लायक हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे आने वाले वक्त में मुझे कुछ ऐसा काम मिले जो कि दिलचस्प हो। तो क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ परमैन? रूमी, मुझे लगता है तुम्हें परमैन से पूछना चाहिए। हाँ परमैन, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। शायद तुम सही कह रहे हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो दरअसल हमने दमन में एक बंगला खरीदा था जो काफी महंगा था, पर फिर भी हमने खरीद लिया। पर फिर उस बंगले का क्या हुआ? लेकिन वहाँ पर एक तो वहाँ पर एक भूत था। पर वो तो तुम्हारी गलती हो सकती है, तुम्हें पक्का पता है? मुझे पक्का पता है, इसलिए मेरे पापा भी काफी चिंता में रहते हैं और वो सोच रहे हैं कि इस बंगले को बेच दे। जैसे ही रात होती है एक आत्मा बंगले के चारों ओर घूमना शुरू कर देती है। हम उसे देख तो नहीं सकते, पर उसके पैरों की आवाज जरूर सुन सकते हैं। और फिर वो खतरनाक भूत अंधेरे में से निकलता है। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो दरअसल मित्सु ने मुझे एकदम से पकड़ लिया था ना, इसीलिए। परमैन, अब तुम ये बात मत छुपाओ कि तुम भी डर गए थे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं जो परमैन को डरा सके, समझे? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम उस भूत को भगाने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगा और उस भूत का खात्मा कर दूंगा, समझे? तुम होश में तो हो ना? परमैन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम सच में महान हो परमैन। परमैन तो बहादुर है। अब तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। लगता है यही हरूमी का बंगला है ना? देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत रहता है ना? ओ वाह, देखो इस तालाब में कितने सारे कछुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ओ वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है ये तो। ये कितनी अच्छी तरह से बनाया है। वी वी। दूसरी मंजिल भी खूबसूरत होगी। क्या तुम्हें लगता है कि पार्क को ठीक है? ओ यहाँ पर दो दरवाजे हैं। वाह बेडरूम तो बहुत ही खूबसूरत है। ये कमरा तो और भी खूबसूरत है, मेरा मन करता है मैं यही रह जाऊं। पाको ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो? पर अगर भूत आए तो? मुझे लगता है तुम भूल चुके हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम यहाँ उस भूत को पकड़ने आए हैं, समझे? ये बात भी सही है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ भूत, अगर आना ही है तो दिन में आओ, समझे? ये तुम क्या कह रहे हो, कुछ भी कहने से पहले ध्यान से देखो तो। अरे ये भूत नहीं बल्कि एक आम आदमी है। तुम हंस क्यों रहे हो, मुझे बताओ कि तुम किसकी इजाजत से यहाँ आए हो? अगर हम गलत नहीं है तो शायद मिस्टर माई इस बंगले के मालिक हैं। तो आप सब मिस्टर माई के बेटे के दोस्त हैं। आप कौन हैं सर? मैं इस बंगले का मालिक था। मिस्टर माई मेरे पास रोते हुए आए थे, वो चाहते थे कि मैं ये बंगला वापस खरीद लूं। क्या इसकी वजह वो भूत है सर? पागलों वाली बात मत करो, भूत भूत कुछ नहीं होता। तुम लोग जाओ और खेलो कूदो, समझे? जाओ। ये तो काफी चालाक आदमी लगता है। तुम सही कह रहे हो। खाना काफी अच्छा था। चलो आखिरकार रात हो ही गई। अब असली लड़ाई शुरू होगी। जैसा कि कहा जाता है कि भूत रात को आना पसंद करते हैं। मुझे सब पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या होगा। ओ नो, मैं इतने शोर में नहीं सो सकता। वहाँ क्या है, एकदम से वहाँ इतनी रोशनी कैसे होगी? क्या हुआ परमैन, सो जाओ ना। पिछवाड़े में भूत है, देखो वहाँ।
ये तुम क्या कह रहे हो? क्या है वहाँ? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बड़ी अजीब बात है। मुझे लगता है कि तुम नींद में हो। बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर पक्का भूत था, वो उड़ रहा था। देखो मैंने उसे वहाँ देखा था। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। इन कछुओं को क्या हुआ और ये तार कैसा? मुझे लगता है पाया ने उसे अब तक देख लिया होगा। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? ये पर मैं नंबर वन का हुक्म है, जाओ और देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। मुझे इतनी रात को क्यों जगाया? मैं कितनी गहरी नींद सो रही थी। क्या तुम्हें कोई पैर की आवाज़ सुनी थी? तुम एकदम बुद्धू हो, तुम्हें पता नहीं ये पुराना घर है इसलिए अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनने को मिलती है। जा यहाँ से। फिर से नींद खराब की तो देख लेना। भूत दीवार से इस तरह आया। ओ प्लीज हमें मत डराओ। ओ नो, अब हम क्या करें? और इस मुसीबत वाले वक्त में पायल भी कहीं गायब हो गया है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो बूबी कि यही वक्त है भूत को पकड़ने का? तुम शायद सही कह रहे हो बूबी, लेकिन तो पापा तुम्हें भूत से डर लगता है? भूत? नहीं नहीं, मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता, मैं परमैन हूँ। बताओ बताओ कहाँ है वो भूत? वो उस दीवार में से आया था। पर वो यहाँ तो नहीं है। पर वो किसी और वजह से फिर आ सकता है, ध्यान से रहना। पाकुट जरूर तुमने किसी और को देखा है, भूत को नहीं। आप कैसे हैं मिस्टर घोस्ट? आखिर मैंने आपको पकड़ ही लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं, ये तो वही मालिक है। हाँ, थोड़ी देर पहले जब मैं तालाब के पास गया था जहाँ पर तुमने वो आत्मा देखी थी, मैंने वहाँ पर कछुए और उनके ऊपर काले रंग की पतली तारे देखी जिनके ऊपरी हिस्से पर ऐसी चीज लगी थी जो सिर्फ रात में चमकती है, और तुम उस चीज को ही भूत समझ बैठे। ओहो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इसे प्लान बनाने की जरूरत ही क्या थी। चलो बताओ। मेरे प्लान के मुताबिक मैंने ये बंगला बहुत ही महंगा बेचा था, और फिर मैंने सोचा कि खरीदने वाले को डरा कर मैं ये बंगला वापस कम कीमत में खरीद लूंगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं। ओह, ये कितनी बुरी बात है। लेकिन तुम वो सीढ़ियों में पैरों की आवाज कैसे लाते थे, बताओ? ओह, ये तो बहुत आसान है। स्टीरियो की मदद से उसके दोनों स्पीकरों में से एक जैसी आवाज आती है, और अगर हम उन आवाजों को बराबर कर देते हैं तो वैसी आवाज निकल जाती है। पर उस भूत का क्या जिसको मैंने दीवार पर देखा था? ये भी काफी आसान है। ये एक 8 MM मूवी की तरह है। देखो, वो वहाँ से ये छवि दीवार पर डाल रहा था। भाया, तुम तो बहुत होशियार हो। ये तो मेरा फर्ज था, मैंने कोई महान काम नहीं किया। अच्छा तो ये हुआ कि ये गुत्थी सुलझ गई। अगर हम इन बातों पर गौर करें तो ये एकदम बकवास लगेंगी। असल में भूत बिल्कुल डरावने नहीं होते। देखो कौन बोल रहा है, शायद तुम ही थोड़ी देर पहले बहुत डर रहे थे। वो तो मैं सिर्फ नाटक कर रहा था जिससे कि भूत कोई बेवकूफी ना कर दे। आई बात समझ में? क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो सुनकर हंसी आ रही है कि तुम्हें डर नहीं लगता, हमने सब कुछ देख लिया। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी भूत भूत से नहीं डरता, मुझे मत चिढ़ाओ। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो। अरे मुझ पर हंसो मत, मैं किसी भूत भूत से नहीं डरता, कितनी बार कहूँ।